ऑब्वियसली गाइड तो किया एज अ बिग ब्रदर, हमेशा गाइड किया कि काफ़ी के हम मैं जब दिल्ली रहता था उसके शोज़ वगैरह होते थे, वो दिल्ली आता था तो मैं हमेशा स्टारडम देखता था उसका कि ये है लोग देख रहे हैं, बट वो हमेशा मुझे बोलता था कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है। और जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि वो सही बोलता था। तो गाइडेंस हमेशा अच्छी मिली है कि वर्क हार्ड, वर्क ऑन योर एक्टिंग स्किल्स, ऑन योर सेल्फ एंड दैट इज़ इट। तो दैट वॉज ऑल द गाइडेंस विच आई गॉट। वेरी वेल सेड एंड विश यू ऑल द रियली बेस्ट। और ऐसे में खूबसूरत चेहरे का हम सबको इंतजार था। आशीन मेहता, कंग्रेचुलेशंस, यू आर लुकिंग स्टुपेंडस इन द ट्रेलर ऑफ द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। एंड थैंक यू सो मच। हम सबको ट्रेलर, आपके ट्रेलर तो खैर अभी हमने देखा नहीं, जो हम 11 अगस्त को देखने वाले हैं जो चित्रकूट में लॉन्च होगा। टीजर में आप बहुत बेहतरीन लग रही हैं और गानों में तो माशाल्लाह। आपका क्या रिएक्शन है एंड फर्स्ट रिएक्शन व्हेन जब आपको ये स्टोरी सुनाई गई थी, ये टॉपिक बताया गया था, सो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन आशीन्स माइंड दैट टाइम? वेल हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। वेल मेरा नाम अर्शन मेहता है एंड जब मेरे सामने सनोज सर, वसीम जी ये मूवी लेके आए थे, आई फ्रैंकली सेइंग वाज अ बिट नर्वस। आई डिडंट नो कि वेदर आई शुड डू दिस मूवी और नॉट, बट जब मैंने पूरी कहानी सुनी एंड मैं काफ़ी डिटेल में गई, मैंने पढ़ा, मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ऑडियंस, जो दुनिया को पता होनी चाहिए। और एक एक्टर के सामने ऐसी स्टोरी आना इज़ वेरी रेयर एंड मुझे काफ़ी खुशी हुई एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल कि सनोज सर और वसीम जी ने मुझे ये प्रोजेक्ट के लिए चुना। एंड ये जो कैरेक्टर है, जैसे मैंने इसको रियलिटी में ऑन ट्रू बेसिस में उसे दिखाया है मूवी में, आई थिंक वी ऑल वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे सामने ये मूवी आई। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं पर ऐसा कैरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, आना भी और करना भी। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट दिस कैरेक्टर एंड आई कुड गिव 100% जस्टिस टू इट। तो कुछ ऐसी चीज़ जो शूट के दौरान आपको बहुत मज़ेदार लगी, इंटरेस्टिंग लगी, जो सीखने को मिला, इफ यू कुड शेयर सम स्नीक पीक्स फ्रॉम द शूटिंग साइट्स? यस, देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन हिंदू एंड अदर थिंग्स व्हिच आई गेन थ्रू आउट द स्टोरी एंड अदर थिंग्स लाइक जो एक्चुअल में लोगों के साथ क्या हो रहा है। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोज काफ़ी पढ़ा एंड आई डेंट नो कि एक्चुअल में रियलिटी में बंगाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर सो कंजर्व्ड इन आर सिटी ओनली, हमारे मुंबई में, हमारे होम टाउन में। सो नोइंग समथिंग कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट एंड समथिंग लाइक दैट एंड पोर्ट्रेइंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस फॉर द होल वर्ल्ड टू सी इज वेरी रेयर। तो मुझे काफ़ी नॉलेज मिली, जो भी हमारे मूवी में जो भी मैंने दिखाया है, पोर्ट्रे किया है एक हिंदू ब्राह्मण लड़की को, वो सब मैंने काफ़ी सीखा। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। और हम जल्दी देखना चाहेंगे इस फिल्म को 30 अगस्त को। और उसके साथ साथ देखिए, सनोज सर की फिल्म हो, वसीम रिजवी जी की फिल्म हो, तो सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं, हर एक किरदार को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि हीरो, जैसे कि बहुत ज़रूरी होता है हर एक फिल्म में। तो इसी के साथ सनोज सर, मैं चाहूँगा कि जो बाकी के हमारे फिल्म के पिलर्स हैं, जो बाकी की स्टार कास्ट है, कास्ट क्रू है, जो फिल्म को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप प्लीज़ उनको मंच पर बुलाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस फिल्म की वन ऑफ मेन के बाद सेकंड लीड जो हमारी एक्ट्रेस हैं अल्फिया शेख, उनको बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने मतलब मैं इनको लेके बहुत डाउट करता था, पता नहीं अच्छा काम कर पाएगी नहीं, लेकिन जब लोगों ने इनकी काम की तारीफ़ की तो मुझे भी अच्छा लगा और उनको फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे बारे में कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं। तो अल्फिया शेख जी, जोरदार तालियां मैं चाहूँगा सभी आर्टिस्ट के लिए दी जाए। और हमारे बीच में गौरी शंकर जी हैं जो रोहिंग्याओं के सरदार हैं इस फिल्म के, प्लीज़ आइए। साथ ही देव फौजदार जी हैं जिन्होंने भी एक एज ए हीरो इस फिल्म में समझ ली, एक बहुत ही मतलब ये बंगाल को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देव फौजदार जी, क्या बात है, जोरदार तालियां मैं चाहूँगा सभी जो हमारे। और हमारे बीच में दीपक कंबोज जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी रोहिंग्या सरदार नंबर 2, आइए। गुरु जी मेरे रामेन चक्रवर्ती जी,
श्री दीपक सोढ़ा जी, जिन्होंने इस फिल्म में एक राष्ट्रवादी नेता का किरदार अदा किया है, कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। और ये फिल्म ऐसी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें जर्नलिस्ट की बात ना हो तो हो ही नहीं सकता है, बगैर जर्नलिस्ट के फिल्म ही नहीं पूरी हो सकती है। तो जर्नलिस्ट का किरदार निभाने वाले आशीष राजपूत जी, वो भी मंच पर आ जाएं। ये हमारी कोर टीम है जिन्होंने दिन रात हमारे लिए मेहनत की है और इस फिल्म को एक मिशन समझकर काम किया है इन्होंने, न कि फिल्म। अभिनंदन जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे सब में से? सर, इतने दिग्गज कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं और इतने सारे एक्टर्स हैं, सवाल तो आई एम श्योर बहुत सारे होंगे जी। मगर उससे पहले मैं चाहूँगा वसीम रिज़वी जी, आप इससे पहले हमारे मीडिया को सवाल करें, आप कुछ कहना चाहेंगे अबाउट दिस फिल्म दैट्स रिलीजिंग ऑन 30th August। अभी आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा चला था शाहजहां शेख का, सब ने देखा, कई दिन आपकी मीडिया पर वो हावी रहा। हमारी फिल्म में शाहजहां शेख जैसा ही एक कैरेक्टर है। हम लोगों ने जब सरोज जी रिसर्च करके आए थे तो उसमें शाहजहां शेख का किरदार भी हम पर वाजे हो चुका था, हम समझ चुके थे। तो उस फिल्म की भूमिका जो निभाई है वो हमारे दीपक कंबोज जी ने निभाई है एज अ क्या बात है, शाहजहां शेख, मतलब शाहजहां शेख उसमें नाम नहीं है, महमूद साहब इनका नाम है, लेकिन ये एक एमपी का किरदार उसमें इन्हीं ने निभाया है। मैं स्पेशली ये बात कहना चाहता था क्योंकि ये मीडिया में बहुत दिन उछलता रहा शाहजहां शेख का किरदार, तो जब तक आप लोगों ने उनको पकड़वा नहीं दिया तब तक आप लोग चलाते ही रहे। बहुत खूब सर, और जैसा कि सर ने कहा है कि मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बिकॉज हमारा एक स्तंभ है, तो इसी के साथ मीडिया से हमारे जो सवाल जवाब हैं वो चलेंगे। सो इफ एनी क्वेश्चंस, वी आर ओपन टू क्यू एंड ए। जी बिल्कुल।